नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पे जिसका नाम है टेक YouTube। और अब आप मुझे थोड़ा बहुत जानने लगे हैं दोस्तों। इसी के साथ आप ये देख रहे होंगे फिर एक नई अनबॉक्सिंग, और आज जो ये अनबॉक्सिंग है वो है पैक्स VCT888RM। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक ट्राईपॉड है और ये प्रोफेशनल ट्राईपॉड है उन प्रोफेशनल लोगों के लिए कि जो अपने वीडियोस यूट्यूब पर या आजकल टिकटॉक हाइक वगैरह पे जो डालते हैं। ये प्रोफेशनल ट्राईपॉड है और ये मैंने मार्केट से परचेस की है। ऑनलाइन में इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है और ऑफलाइन में प्राइस कम है। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदारी करते हैं तो सबसे पहले आप अपने लोकल मार्केट में सर्च कीजिए। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आपको सस्ते मिल जाए और हो सकता है कभी कभी वो महंगा मिले। तो एक बार जरूर अपने लोकल मार्केट में ट्राई करें, उसके बाद ऑनलाइन। बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन नहीं मिलती है, बहुत सी चीज़ें ऑफलाइन नहीं मिलती है, तो दोनों को आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं सिंपेक्स VCT888RM वीडियो ट्राईपॉड, ठीक है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करेंगे आज हम डे लाइट में। अभी इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। और ये प्रोफेशनल ट्राईपॉड है, इस पर कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। जैसा कि आप ये देख सकते हैं 165 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, आई थिंक 165 मतलब हो गया आपका 5 फुट से ज़्यादा। इसका जो वेट है 1.8 kg, आप ये देख सकते हैं। This is my new weapon. Finally इसके हम अनबॉक्स करते हैं। और यहाँ पे हमको मिला है एक शू, लेग शू, ये 3 पीस हैं। बहुत काम की चीज़ है ये। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है एक उसको आप चेक कीजिएगा। और एक मैंने कैमरे का अनबॉक्स किया था उसकी भी लिंक में, और वो था। और फाइनली चलिए वो सिलिकॉन का पैकेट है, ठीक है। और ये है मेरा प्रोफेशनल हथियार। चलिए इसके हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि सब बैग की क्वालिटी इस बार जो है सिंपेक्स की काफ़ी बेहतर है। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ इसको अमेजोन से बाय कर सकते हैं और किसी भी सोशल नेटवर्क के साइट से बाय कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा बहुत इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट के अंदर एक फाइनल रैप के अंदर ट्राईपॉड है। और आपने मेरा पहला सिंपेक्स वाला देखा होगा 3600 वाला, तो उसमें यहाँ पर एक हैंडल थी पकड़ने के लिए, वो चीज़ इसमें नहीं है। तो पहला एक ये शायद माइनस पॉइंट है। और दूसरा, ये प्रोफेशनल है वीडियो के लिए, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं डॉट्स वगैरह दिए हैं, और इसका जो मूवमेंट है काफ़ी नॉर्मली बहुत बेहतर है। ये अप डाउन, लेफ्ट राइट, और ये बहुत ही स्मूथली जो है मूवमेंट है इसका। चलिए और फटाफट देख लेते हैं और क्या है। और एक यहाँ टॉर्पीडो मेजरमेंट, और इसमें ऊपर में कहीं नहीं दिया है, ये देख सकते हैं। और एक ब्रैकेट मोबाइल के लिए, यहाँ से इसको कसेंगे पीछे से। और देख लेते हैं क्या है। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी स्टेबल ये होने वाला है। मैंने इसको परचेस किया था ऑफलाइन, मैं लिंक में दे दूंगा। और एक इसमें जो लेग्स बढ़ेंगे इसके, वो 2 ब्रैकेट से और हैं, 2 लेग्स।
चलिए ये फाइनली इसकी ये हाइट है, ठीक है, और ये जो सरफेस लेता है काफी ज्यादा काफी स्टेबल है, ये देख सकते हैं। और अभी इसकी जो हाइट है ये लगभग 4 फीट मेरे ऊपर है, इसको थोड़ा सा और ऊपर ये जाएगी इसकी हाइट, इसको यहाँ से घुमाएंगे ये और इसकी हाइट बढ़ेगी और फाइनली ये इसकी हाइट है, और थोड़ा सा इसको अगर स्पेस कम करेंगे तो ये और जाएगी, ये लगभग मेरा हाइट से काफ़ी 5.5 से ऊपर है लगभग। तो ये है मेरा नया हथियार। फाइनली दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों मैं आपको निकॉन P1000 के कुछ वीडियोस वगैरह दिखाऊंगा, और उसकी जूम कैपेबिलिटी जिसको आपने वीडियोस में देखे होंगे कि काफ़ी फेमस है उसके जूम के बारे में, कि वो चांद कोई बड़े करीब से देखता है, तो मैं उसको जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि अपलोड करूंगा। और अभी आपके लिए फिलहाल इस पर हम माउंट करते हैं अपने कैमरे को, चलिए हम इसको फटाफट चलिए ये कुछ करीब से लुक लेते हैं डे लाइट में। जैसा कि आप ये देख सकते हैं आज का मौसम भी काफ़ी सुहाना है, ठीक है, और करीब से कुछ इसका व्यू ले लेते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये लाइनिंग्स वगैरह डॉट्स जो दिए हैं, कैमरे को आप सही तरीके से मेजरमेंट कर पाएंगे कि किस एंगल पे कौन से डॉट पे कैमरे को रख के पोजीशन करके उसकी क्वालिटी को वीडियो को स्टेबल कर सकें। हालांकि ये ट्राईपॉड काफ़ी महंगा है, मुझे ये ऑफलाइन पड़ा है 2600 का, ठीक है, इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह भी नहीं था। और एक ये जो शू गार्ड्स के बारे में जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ, तो इसका जो रोल है बहुत ही बढ़िया है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये अगर टेढ़ी जगहों पे भी है, ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे तो ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा, और ये लेप्स है, ठीक है, ये लेप्स अल्मोनियम के शायद हैं, और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है, और ये बहुत ही स्टेबल है। और दोस्तों फाइनली ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फटाफट इस पर हम अपने कैमरे को माउंट कर लेते हैं। चलिए हमने अपने निकॉन कैमरे को निकाल लिया था, और फाइनली दोस्तों कल की वीडियो को जो हमने अनबॉक्सिंग की थी उसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताना भूल गया था, जल्दबाजी में चलते चलते ये निकॉन का बैग था जो भाई साहब ने मुझे गिफ्ट किया था इस कैमरे के एवज में। चलिए फटाक से अपने कैमरे को माउंट कर लेते हैं। दोस्तों कैमरे को माउंट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आप इस ब्रैकेट को निकाल के, ठीक है, ब्रैकेट को निकालने के बाद इसको डायरेक्ट यहीं से लगा के इसको टाइट कर देना है, ठीक है, चलिए हमने टाइट कर दिया। तो चलिए देखिए फाइनली इसको इस लगाने के लिए, इसको ये कसने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, इसको खोल के ही निकालेंगे, ब्रैकेट को निकाल के इस पर टाइट करके, और फिर इसको देख लें अच्छे से ये टाइट है कि नहीं, और फिर इसको नीचे कर दें, और यहाँ पे ये देखिए लॉकिंग है, ठीक है, इसको देखिए बारीकी से कैसे ये जाएगा, इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड करके, ये साउंड देखिए आपने, तो ये हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। अब आप जिस भी एंगल में कैमरे को रखना चाहते हैं उस पर रखने के बाद यहाँ से इसको टाइट कर देंगे, जैसा कि ये देखिए यहाँ से हमने इसको टाइट कर दिया, और ये देखिए बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है ये, आप यकीन नहीं मानेंगे बट ये सच्चाई है, बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है ये एकदम नॉर्मल। तो इससे क्या है कि ये प्रोफेशनल इसीलिए बोला गया है कि ये आपके वीडियोस को हमेशा स्टेबल रखेगा, ये अप डाउन इतना स्मूथली है। और एक चीज़ का ध्यान दें दोस्तों, इधर देखें मेरे तरफ, अगर आप ट्राईपॉड पे कैमरे से काम कर रहे हैं तो स्ट्रैप को गले में डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा,
खुदा ना खास्ता बाय चांस बाय मिस्टेक अगर ये सही से ना लगाओ और कैमरा गिर जाए तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, इसलिए बी केयरफुल। चलिए अब मैं इसके कुछ दो तीन शॉट्स ले लेता हूँ।